वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज ये ईद की दावत पार्ट टू है। पार्ट वन में तो आपने देखा कि हमने क्या डिस्कस किया और कैसे पकाया। अब पार्ट टू में ये है कि हमें तैयार भी होना है, खूबसूरती से उनको पैक भी करना है फूड को, और डिलीवरी भी करनी है। तो वो सब कैसे होगा तो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले डालेंगे बिरयानी, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रे वो है। तो बड़े से छोटे पे आएंगे या हार्ड से सॉफ्ट की तरफ जाएंगे। काश ये एक एक पैकेज मेरे व्यूवर्स को जा रहा होता। चलो बिरयानी तो डन हो गई, अब नेक्स्ट। तो ये हमने कोरमा इसमें निकाल लिया था। तो मामा कैसे पता चले कि हमने ज्यादा नहीं डाल दिया है, रेंट में इनफ नहीं बचेगा? हर फैमिली को कितना देना चाहिए? जिससे ज्यादा प्यार हो उससे ज्यादा, जो मीडियम प्यार हो मीडियम, और काम हो उसको दो बोटी। अच्छा, तो मतलब जब मैं रखने जाऊंगी तो प्यार वाली थैली उस तरफ? जस्ट किडिंग, बस वो बनाए ही है 6 पाउंड ना, उस हिसाब से। अच्छा, तो 1 पाउंड का आपके दिमाग में होगा। तो बस इसी तरह सारे भर लेंगे। क्या सना, कैसी ईद लग रही है ये? बड़ी डिफरेंट बट बड़ी मजेदार है ना। हाँ। और ये डैडी को शोरबा ज्यादा पसंद है ना। चले वेरी गुड। अब ये जो है ना भटूरे का सालन नेक्स्ट कर रहे हैं हम। अभी तो गरम गरम है, खोल खोल के देना। ठीक है, कैसे पता चले कितने छोले जाएंगे एक में? देख, पर फैमिली मैंने 16 छोले रखे। पर पर्सन 16 होने चाहिए थे मामा। चल तो बड़ा कैलकुलेटर लिख रहा हूँ कि अगर 5 बंदे हो तो। चलो चलो डालते। मैं इसके लवाजमात लेकर आती हूँ। हाँ। ये मावे की रेसिपी तो आपके चैनल पे है ना? हाँ, याद नहीं है वो डबल रोल था रूबी का? एक अच्छा। एक काम वाली बाई भी थी। वो मावे में थी? यस। जर्दे को देख के खुशी कितनी होती है ना। रंग बिरंगी फेस्टिवल का एहसास होता है। पर मेरे व्यूवर्स को मिलना चाहिए था ये। ये भी आपके व्यूवर्स भी हैं? हाँ, व्यूवर्स भी हैं, लेकिन रूबी के किचन की फैमिली, आई मिस यू सो मच। चलो अब तो मेरे ख्याल में यहाँ तक झटपट निपटेगा। हाँ, आप शीरखुरमा स्टार्ट करो, मैं बटूरा कर लेती हूँ। ठीक है, चलो सही है। चलो लास्ट ना सना। हाँ हाँ, वी आर डन। काफ्तान
ओह या ताफ्तान। मैं ताफ्तान तो भूल गई व्यूवर्स। ये इसीलिए तो ऊपर रखा था ताकि स्मैश नहीं हो जाए। हमारी फैमिली में कोरमा और ताफ्तान का इतना शौक है। नाउ वी आर डन। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आप सबको। बस हम निकल रहे हैं, दावत का टाइम हो चुका है, लोगों को बुला नहीं सकते तो डिलीवर कर रहे हैं सबको। तो आप भी हमारे साथ चलें, मज़े करते हैं, सबको दे कर आते हैं फटाफट। क्या भाई, ये भी कोई ईद है? वैसे आप लोग को बहुत ईद मुबारक, बट इस तरह से ईद सेलिब्रेट होती है लोगों के यहाँ डिलीवर करके? खैर चलें, फन करेंगे। एक मिनट, सब गिर जाएगा बेटा, क्या कर रही है? आ जा। थैंक यू। हाय बच्चों, ईद मुबारक, आई लव यू। ईद मुबारक व्यूअर्स, अभी हम आपके साथ डिलीवरी करने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, चलिए साथ में चलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम और ढेरों ईद मुबारक। देखा हमने कैसे झटपट पकाया और कैसे जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं। आप लोग देख रहे थे ना कि हम लोग कितना बिजी थे और इतना शॉर्ट टाइमिंग थे, और अभी देखे सब गाड़ी में भी बैठ गए, लोड भी कर दिया, टाइम भी नहीं है, जल्दी चलते हैं। चलो सब बैठ जाओ। जोई नहीं बैठी है शायद। जोई है, जोई है, जोई है। चलो निकलते हैं। ओके बिस्मिल्लाह। क्या सजेशन है, किस तरह से देना चाहिए? डंडे से दे देते हैं। इसी तरह मना नहीं है तो डंडे से देने में क्या हर्ज है? मतलब डंडे के एंड में बांध के, डंडा वो बस बैग बांध के दे देते हैं। मैं ही दे देता हूँ। तो तुम लोग ईद मुबारक कैसे, गाड़ी में से ही बोलोगे सबको? वेव कर देंगे, है ना सना, क्या ख्याल है? हाँ हाँ, शीशा रोल डाउन करके हम चिल्ला के बोल देंगे 6 फुट की दूरी से ईद मुबारक। ये सेफर। अरे वैसे तो दिल की आवाज भी पहुंच जाती है, तो ये तो वॉल्यूम भी जा रहा है। जैसे दिल की आवाज तुम्हारी तुम्हारे व्यूअर तक पहुंचती है। Exactly. इस वक्त अल्लाह मियां की रहमत जो है वो आपके लिए जहमत बन जाएगी, कैसे डिलीवर करेंगे। चले अम्ब्रेला है ना। क्या हाल है भाभी? अरे आ गए, भाईजान भी आ गए। एक मिनट है, एक मिनट। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, दूरी दूर से, दूर दूर से ईद मुबारक। क्या हाल है भाई? ये तुम लोगों की ईदी। ओ ईदी जरूरी है क्या यार ऐसा? ओ थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। ये सबके लिए गिफ्ट दी है भाई ने। चलो भाई, बहुत दुआएं दी है तुमको। हाँ देखा। हाँ बोलो। हाँ भाई आ रहे हैं, 10-12 मिनट में पहुंच रहे हैं। और घर की दुकान रेडी रहना, घर घर पे ही हो ना? घर पे नहीं, इधर रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट पे हो? हाँ। ओह ओके, चलो सलीम भाई कुछ रेडी रखना ना, एक आध गिरोज वगैरह हम शेयर करके खा लेंगे, बहुत नहीं खाना, एक आध रेडी रखोगे? श्योर श्योर, क्या चाहिए बोलो, जो भी आपको दिल हो एक बस। ठीक है, मौसम कैसा है, कभी धूप आ जाती है, कभी शदीद बारिश हो जाती है। हाँ चलो भाई, ये भी आ गया, आ जाओ भाई। ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरा बच्चा, आई मिस यू। तो लास्ट ईद की तरह सरप्राइज देगी कि नहीं देगी इस बार? नहीं। ओ हाँ, तू देगी, देगी गुड़िया मुझे। इस बार तो वायरस की वजह से फंस गई। ईद मुबारक। 6 फीट का है तो क्या करें, देने तो आना पड़ेगा। कैसे लूं? देने तो आना पड़ेगा। चलो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एंजॉय करना खाना। थैंक यू, बहुत ज्यादा, ये तो पूरा भरा हुआ है, एंजॉय करें। थैंक यू, थैंक यू फ्रॉम डोनर एंड जायरोस। ये लो भाई तुम्हारे जायरोस। चाफी देखे। ठीक है, अनियन रिंग।
चलो खाने में मजा आया, थोड़ा बहुत था मगर मजा आया। हाँ अब बहनों के यहाँ चलते हैं। ईद मुबारक। यूं करो कैसे? ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। हेलो किटी। हेलो किटी। चलो भाई बहुत मजा आया। हाँ और वैसे भी कितने अरसे बाद देखा ना इन लोगों को भी। हाँ मगर इस तरह कभी मिले नहीं है। हाँ आई नो। चलो अब मम्मी के यहाँ चलते हैं। हाँ ईद मुबारक। जोई बोल ईद मुबारक। मुझे इतना दिल था ये देखे हमेशा की तरह, लेकिन देख नहीं सकती। हाँ ईद मुबारक बेबी। ईद मुबारक। मिल नहीं सकते, दे तो सकते। टच नहीं कर रही हूँ लेकिन। ईद मुबारक। चल बाय। फ्लाइट किस का थे? चलो बाय। कैसी अजीब है ना। चलो ओके अल्लाह। बस ऊपर वाले की मर्जी है, अल्लाह सब सही कर देगा इंशाल्लाह। चलो चलो। लव यू। दिस इज आवर लास्ट कस्टमर। दिस इज नॉट कस्टमर, वी आर नॉट सेलिंग। दिस इज आवर सेकंड लास्ट प्लेस। गुड वन। एक जगह और जाना है। कस्टमर नहीं है, अपनी फैमिली है। वेदर कैसा हो रहा है ना, बारिश जैसा हो रहा है। आ गया। देख पुपू का, पुपू छोड़ी पुपू दादी का घर आ गया। जोई ईद मुबारक। सोरा ये तेरे लिए ईद का खाना और ये तेरे लिए ईदी। कैसे हम मिल नहीं सकते थे? सोरा मैं भी मिल रही हूँ सोरा। ईद मुबारक। सलीम भाई नहीं दिख रहे हैं। ईद मुबारक सलीम भाई। चलो लव यू। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये यूनिक सी ईद कैसी लगी आपको? प्लानिंग से लेके, कुकिंग से लेके, सप्लाई से लेके, बकौल जोई के लास्ट कस्टमर था। तो हमारे लिए भी ये बड़ा अनयूजुअल था और अभी काफ़ी थकन महसूस हो रही है क्योंकि इतना फास्ट सारी चीज़ें की है हमने, क्योंकि हमें दिल था कि ईद ही के दिन पके भी और उनको ताज़ा ताज़ा पहुंच भी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ईद की दावत हुआ करती है। और इस मरतबा इतना क्राइसिस थे दुनिया में कि ऐसा इतना ज़्यादा कुछ हाई फाई का दिल भी नहीं था और ना ही क्वारंटाइन की वजह से हम इतना मिल सकते थे। लेकिन बहरहाल जो भी किया आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से किया और ये यूनिक ही अंदाज़ था बिल्कुल ही ईद मनाने का। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अब तो दिल तो चाह रहा है कि जल्दी से घर जाए, टूट पड़े खाने पे और उसके बाद एक बेहतरीन सी चाय पी के बिस्तर पे। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह के ख़तरनाक ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल। बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।